जय श्री राम मित्रों, सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग थग लाइफ फर्स्ट पार्ट को इतना सारा मिलियंस ऑफ व्यूज देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं लेके आया हूँ वीरेंद्र सहवाग थग लाइफ वीडियो नेक्स्ट, जिसमें लिटरली आपको वीरू भाई के फंडे सुन सुन के हंसी आ जाएगी। फुल पैसा वसूल वीडियो है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओपनर हम ये सोचते थे कि जो नया बॉल छोड़ेगा ऑफ स्टंप के बाहर, छोड़ेगा बॉल को पुराना करेगा, जिससे कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो हम खुशकिस्मत वाले थे उनको आसान हो जाए, लेकिन आपने ओपनिंग अलग तरीके से की, मार के बॉल को पुराना किया, ये किस लिए? दादा क्योंकि जो मेरे बाद खेलने वाले खिलाड़ी थे वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीएस लक्ष्मण, वो सब 200-200 बॉल पे 100 रन बनाते थे। तो अगर मैं भी वो करूँगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि रन तो सब बनाते थे। तो अगर मैं भी सेम पैटर्न पर रन बनाऊंगा तो मेरे को शायद कोई नहीं पूछेगा, मेरा नाम कोई नहीं लेगा। तो मुझे लगा अगर मैं जल्दी रन बनाऊंगा तो शायद उन लोगों से पहले मेरा नाम लेगा। क्या सोच है? तो वो पागल बना रहे तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने का नहीं, पढ़ ले पहले बाप से आके लड़ने का नहीं, गलत रास्ते को चुन के आगे बढ़ने का नहीं। बट वीरूपा जी माफी चाहूंगा, बट आई एम नॉट रियली, मैं आपके उस जवाब से सहमत नहीं हूं कि आप कहते हैं कि प्रेशर बहुत होता था यार। 94 है या 296 है या 300 बनाने या 100 बनाने, आप मतलब उस लास्ट उस डिलीवरी में 6 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं, ये किस किस्म का प्रेशर है? बट पाजी जब 94 तक पहुंच गए तो प्रेशर तो आपने झेल लिया ना। प्रेशर तो उस टाइम है जब आप जा रहे हो जीरो पे, जब आप 0 से 94 तक पहुंच गए उस टाइम तक तो आप प्रेशर को झेल चुके हो, तब फिर आप प्रेशर रिलीज करते हो दूसरी टीम के ऊपर। दोस्तों सहवाग सर ने जडेजा से तो मजे लिए ही हैं, साथ के साथ T20 वर्ल्ड कप में जब सचिन को नहीं चुना गया था तो सहवाग ही सबसे सीनियर प्लेयर थे, तो उन्होंने कितने सारे मजे लिए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने हमेशा ही 95 पे या 195 पे या 295 पे छक्का मार के 300 क्यों पूरा किया? मतलब जब भी दो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है हमेशा छक्का मारा, क्यों? एंड में रिवील किया है, वीडियो अंत तक देखिए, बस लाइक कर दीजिए, थैंक यू। आपका जो T20 वर्ल्ड कप की हमारी टीम थी उसमें सबसे ज्यादा खिंचाई आपने किसकी की है? भाई वैसे तो मैं सबकी खिंचाई करता था, बट उस टीम में तुम सब लोग जवान थे, तो मैंने सबसे ज्यादा खिंचाई की थी हरभजन सिंह की वर्ल्ड कप। और जब हम टीम अनाउंस हुई तो शायद MS धोनी कप्तान बने थे, बाकी सब लोग यंग, उसमें जो सीनियर खिलाड़ी में आते थे वो मैं, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये तीन ही थे। एक एनर्जी थी उस ड्रेसिंग रूम में, तो हमें बड़ा मजा आया। बट प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि हमें कोई चाहता भी नहीं था कि भाई यार ये नए लड़के गए हैं, हार उड़ के आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और आ जाएंगे। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तेज खेल रहा हूँ, कि मैं स्कोर बोर्ड नहीं दे रहा था। सडनली 5-6 ओवर के बाद मेरी स्कोर बोर्ड पर नजर पड़ी, 10 बॉल 28 के करीब रन, मेरे 20 बॉल 22 रन। तो मैंने कहा यार ये तो उल्टा हो रहा है, तो मतलब सहवाग तो ये है, मैं सचिन बन गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई वो स्पेशल वर्ल्ड कप हो गया हमारे लिए, खासकर पाकिस्तान को 2 बार ही हराया उस वर्ल्ड कप में। हम लोग जब स्टोरी बड़ी फेमस है, U19 में साउथ अफ्रीका गए थे। अच्छा। तो मैं और हरभजन सिंह एक साथ थे, तो हम लोग हाई कमीशन के यहाँ गए, तो हम लोग कोशिश करते थे एक कोना पकड़ लेते जहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाला कोई पहुँच ना सके। पहला मैन ऑफ द मैच 2001 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, तो मैंने 50 रन बनाए, 3 विकेटें लिए, मुझे मैन ऑफ द मैच मिला, तो मुझे खुशी हुई कि रवि शास्त्री मेरा इंटरव्यू लेगा। शुक्र है रवि शास्त्री हिंदी में पूछेगा, कमबख्त ने पहला सवाल अंग्रेजी में ही पूछा है। बैंक क्या लौड़े, क्या इंग्लिश 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 लगा रखा। तो हरभजन सिंह की ओवर बाकी थी जो जिनकी थोड़ी ओवर बड़ी हो गई थी, देखिए कमाल के बॉलर है, कमाल की गेंदबाज है हरभजन सिंह, खुल के बुराई कर सकता है।
the fucking Eagles up. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R. सचिन तेंदुलकर कुछ टाइम के लिए फील्डिंग से बाहर गए थे तो शायद उनकी बैक में स्पैज़म आया था okay. और काफ़ी देर तक बाहर रहे 3-4 घंटे तक और फिर अंदर आए फिर जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो माइकल क्लार्क उनके साथ साथ चल के आ रहा था उनको ये बोल रहा था कि यू आर टू ओल्ड नाउ यू डोंट वॉन्ट टू फील्डिंग यू जस्ट वॉन्ट टू बैट यू जस्ट वॉन्ट टू मेक यू स्ट्राइक पर आए अपनी स्ट्राइक लिए खेला तो हर बॉल पर आस पास गया मैंने उससे पूछा कि तेरी एज क्या है उसने कहा 23 साल मैं क्या उससे ज़्यादा उसके शतक है जरूरत नहीं तुझे स्लैजिंग करने यू नो मैन यू गो एंड डू योर वर्क तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उससे ऐसे पूछ लिया कि भाई जो तेरे साथी है तुझे पब बुलाते हैं तो मुझे बता दे तू कौन सी ब्रीड है एक लड़के सर के से हिलाते हल्के से हलाते घर के से चलाते बाप को मत सिखा पहले से दिक्कत 99 अपनी सलाह को डाल अपनी गाने में बे भाई है तू जो लेगा मार परी मैं नया नया टेस्ट क्रिकेट में आया था 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ तो एस्ली जेल्स को मैं स्टेप आउट करूँ छक्का या इधर चौका रिवर्स स्वीप चौका तो ये मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे मैंने कहा यार इतनी आसान सी बॉलिंग हो रही है आप आराम से टुक टुक करे जा रहे हो मार दो एक स्टेप आउट करके तो इन्होंने स्टेप आउट किया वो बोलता है नोगी और ये स्टंप आउट हो गए मेरी बातों में मसल है तेरी बातों में लसन है बातों में कसर है बातों में यसर है बातों में कसम है बाद में भसड़ है सालों से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ भैया मुंह बंद करने का क्योंकि मैं उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे मेलबर्न में भाई 195 पे छक्का मारते Mein tha dusre end pe, main tha dusre end pe, aur maine unko jaake bola tha sach much bola tha ki tu 195 pe khel raha hai, us Simon Cattage aapko ek full toss daal hi dega, usko niche maar ke 200 bana le, seedha utha ke mara deep mid wicket ke haath mein, mujhe abhi bhi yaad hai, so I think about 50 run partnership and it was going well. Ishant was batting well. I was batting around 86 at T. So I came back at T. और वीरू ताली बजा के अनिल भाई क्या कर रहे हो? I said क्या हुआ यार? खत्म करो जल्दी. आप क्या डिफेंस कर रहे हो ईशांत के ऊपर आपको भरोसा है? मैं बोला यार अब तक तो चल रहा है अच्छा. नहीं 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 आप चार मारो क्या है और कभी भी आउट हो सकता है आप 100 करो. I said this thought was in my mind. So after T I went back. And then first over, I remember, I don't know who the bowler was, but you know, he bowled slightly wide of the off stump. I went for this booming cover drive. Nick caught behind, gone. 86 out. Backbencher, bencher lagenge bencher. Surat bigad ke murat nikal ke lantern lagenge banker. Meri baaton mein bhajan hai, teri baaton mein bhajan hai. पॉजिटिव एनर्जी थी जीतने का ही थॉट था हमेशा इसलिए हम जीते भी देखिए पॉजिटिव क्यों ना हो क्योंकि सहवाग जैसा प्लेयर आपको पानी पिलाने आ रहा है सारी गलती करने वाले हम ही है क्या नहीं तेरे भाई पे किसी चीज की कमी है क्या तो एनर्जी तो पॉजिटिव वैसी हो रही यूवी पाजी के 6 छक्के I think that, तो उस मैच में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था अबाउट क्या बात कर रहे हैं उसमें जरूर वीरेंद्र सहवाग नंबर वन थे कि अगर 10 में से 11 हिट मारते थे एक ज्यादा ही मार देते थे वो ज्यादा उंगली करी पूरा हाथ देंगे और घने दीदे पाड़े साड़े धुम्मा ठा देंगे बट वो तो 2007 में थे ही नहीं हां नहीं अदरवाइज मेन प्राइम्स कोई तो अदरवाइज कभी और करेंगे खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उमराओ इनसे खुद को बचा के नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहां का बनेगा गुड़गांव कि मुल्तान में जब ट्रिपल सेंचुरी लगा 95 से शतक पे गए छक्का मार के 195 से दूसरा शतक पे गए छक्का मार के और 295 पे 300 पे गए छक्का मार के और छक्का मार के जब फील्ड था लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग शकलेन मुश्ताक को ये क्यों सिंगल खेल के क्यों नहीं ट्रिपल 100 या डबल 100 अगर सिंगल लेता तो 6 बोले खेलनी पड़ती 6 बार आउट होने के चांसेस तो लेकिन छक्का मारने के लिए एक ही बॉल चाहिए और 6 रन मिलते हैं तो चांस भी एक ही बार बट आप जब 295 पे पहुंच जाते हो तो आपको विकेट भी मालूम है बॉलर भी मालूम है कैसा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है एज अ बैट्समैन कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ third man a favorite area for him in fact Shepherd's on the blower to see if it isn't sixth his sixth century his fourth away from home and his first against Pakistan and here we go again and he's cleared long on it 5-6
That's in the air. And it is out of here. That is all the way. That is six. He's on 199. Would you believe it? Been like the most intimidating batsman. Sehwag, without question. Sehwag is the number one in my books anywhere in the world. One batsman that you enjoyed the most watching from the non-strikers? This is such a good shot. That takes a lot of mental courage, and I think that's one of Virender Sehwag's great strengths. It's to go for it. And he has gone for it. That's humongous. It's the classic see the ball, hit the ball player. Yeah. Here's another one. Same result. Television around the world standing and saying congratulations and thank you for the entertainment. Absolutely fabulous. You could see that this was a boy with exceptional talent, incredible ball striking ability. One of the great strengths of Veeru was his ability to have a still head and an uncomplicated approach. I mean, Virender Sehwag, that guy was a nightmare to bowl to. You know, he scored 300 in Chennai. When they're both in form, they're really difficult players to bowl to, but not as hectic as someone like Sehwag. Ki aap CT bhi bajate the, gana bhi gaate the batting karne mein. Wo dikhate hain hum aapko. कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे wept and wept well. Terrific shot. दादा मैं हर मैच की इनिंग में गाने गाता था बैटिंग के टाइम पे. कई बार तो पाकिस्तानी विकेट कीपरों ने बहुत सारी फरमाइशें रखी है किशोर कुमार लता मंगेशकर तो उनको भी एंटरटेन किया है. मतलब कौन थे? मोइन खान था. नहीं, 2000 कामरान अकमल. क्या कहता था वो कामरान? वो कहते किशोर कुमार का कोई पुराना अच्छा सा गाना सुना दे. क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ 309, 201, 254, 175, 165, तो उसने मेरी सारी इनिंगें बड़े ध्यान से देखी हैं और बड़े गाना भी बड़े सुने. दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ. और हाँ, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ. वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ये बता दीजिए अगला थग लाइव वीडियो किस पे चाहिए. और जिन्होंने भी अभी डिमांड रखी है उनके वीडियोज़ के मैं फुटेज कलेक्ट कर रहा हूँ. दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा सा सब्र रखिए. सारे वीडियो मिलेंगे, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए. तब तक चलता हूँ. जय हिंद, वंदे मातरम. जी, और जी, वो एक ऐड भी सुना होगा जडेजा जी, वो एक ऐड भी सुना होगा, चीता भी पीता है, अब समय हो गया है. वीरू भाई, ठंड बहुत है एक्चुअली, माल तो है ही. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वेल डन रविंदर, वेल डन. All the best for 2020 matches. और कोहली को जरा अप्रोच करना कि भाई मुझे भी थोड़ी और बैटिंग करा दे. चहल, मेरे सूखे बॉडीगार्ड तू बीच में कहाँ गया?